हेलो गाइस, तो फिर हमारे पास आया एक पार्सल। सो ये ने बनाया मीशोस हमारे ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं इसको अनबॉक्स करूँगा और आपको बताऊँगा कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो चलिए चलते अनबॉक्सिंग करते। बॉक्स आया था, फिर इसको खोलते हमने बड़ी ईयर फोन कैमरे वेस्टर्न करते, जिसके अंदर कुछ इस तरह अपना बॉक्स नजर आएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर मिल गया वीडियो मेकिंग ट्यूब, तो आप ये देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन आप ये कर दे। तो इसके ऊपर पहले हम बॉक्स पे ध्यान देते, तो फिर लिख गया AY46 लिखा है। और यहाँ पे जो हमारे पास ट्राईपॉड एक आया है, LED फ्लैश लाइट 6.5 सेंटीमीटर कुछ है फलाना रूम का ना। और हमारे पास इसके माइक भी है, और एक जो स्टैंड होता है वो भी है, और एक आपके पास रिमोट है, रिमोट कंट्रोलर। ये सब आप किट में लेना आपको सस्ता पड़ेगा। तो चलिए इसको खोल दे। सो इधर से मैंने निकाल था तो कुछ इधर से ऐसा ओपन होता है। तो यहाँ से पैकेजिंग तो इतना अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सब मेरे लिस्ट, और इसके साथ कुछ नहीं है डॉक्टर साइन। तो आप तो देख सकते हैं इधर इतना कुछ मिलता है एक प्रोडक्ट के इसमें एक पैकेज। तो फिर पहले स्टार्ट करते हैं टाइप करते हैं। तो एक कमिंग, सो ये कुछ ऐसा मिलता है, इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छा है। सो आप इधर से ऐसा ये स्टैंड कर सकते हैं, स्टैंड इसको ये करके भी हो सकता है, ये भी अच्छा। और फिर इसके बाद हमारे पास आएगा लाइट। तो आपको ये लाइट, इसको मुझे लगा था चार्जिंग का होगा, पर इसको चार्जिंग का नहीं, इसके अंदर सेल लगाना पड़ता है, बहुत गरीब है ये। तो इसको खोलूँगी, यहाँ से आपको 1.5AA का बैटरी। सो मैंने ये बैटरी यूज़ की, सो भी इसको इस तरह लगाएंगे। तो आपको याद दिख रहा होगा लाइट, ये कुछ इस तरह सड़कन लगाता है। सो इसके अंदर हमें अलग अलग मोड्स मिलेंगे, हम देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा डीप, थोड़ा और बंद। तो हम लास्ट को इसको चेक भी करेंगे पूरा किट पर लेके। सो अभी यही तो देखा, और अभी नया ऑर्डर के। तो ये एक स्टैंड है, तो इसका क्वालिटी भी अच्छा है, और इससे फ़ोन में ही गिरेगा भी नहीं। तो आपको इधर से इधर एक ये मिलेगा, इधर इधर ये सब मिल जाएंगे इससे के अंदर। तो ये माइक, तो ये माइक कुछ ऐसा है, इसको माइक सॉफ्ट दिया है, बहुत अच्छा है। सो अभी इसको हम इधर लगाएंगे, और ये जो एज इसके ऊपर फिट होता है तो आपको दिखाएंगे। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। सो आपको क्या मिल सकता है 900 रुपीज़ में। सो एक रिमोट भी दिया है, सो रिमोट को इधर छोटा सा जो बटन है इसको ऑन करके, तो इधर लाइट लग गया। अभी इसको हम ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम फ़ोन से कुछ भी निकाल सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है। तो हम पहले ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करके फिर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ करेगा, मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है। तो इसका रेंज जहाँ तक ब्लूटूथ जाता है वहाँ तक जाएगा फ़ोन हाथ में। नेक्स्ट आता है लास्ट, ये जो कॉर्ड है, और कॉर्ड है इसका माइक का। सो इधर माइक को जोड़ के फिर हमारे फ़ोन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह के अंदर मिलता है, डब्बा खाली हो चुका है। तो इसके सब पार्ट्स हैं इधर, तो हम इस सब को असेंबल करके देखेंगे कैसे लगते हैं। तो अभी असेंबल करना बहुत आसान है। सो आपको फायदा इसको इस तरह में मिला है। सो आपको क्या करना है, पहले इसको इसके ऊपर फिट करना, इसके ऊपर आप फ़ोन लगाइए पहले अपना। मैं लगा तो मेरे पास फ़ोन है, पर चल रहा नहीं है, गरीब लोग है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ इस तरह से टाइट कर लेंगे इधर से, और जो अपना जो फ़ोन है फ़ोन को इस तरह से इधर लगा देंगे। तो फ़ोन लगाने के बाद हमारे पास आता है लाइट, सो हम लाइट को इधर लगा देंगे। आपको कौन से डायरेक्शन में रखने का रख सकते हैं, फिर ये रिंग घुमा के ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद फिर हमें मिलेगा ये हमारा माइक। सो हम माइक वाइस सेट करेंगे, इसको घुमाएंगे। सो ये पैक हो चुका है। हमें सेकेंड स्टेप ये करना है कि अपना जो माइक है, इसको ये वाला पिन है हमें माइक पे, इधर आपको दिया है लिख के, आप देख सकते हैं इस पर लिख के दिया है। जो ये माइक वाला पिन इधर है, और ये जो लगने वाला फ़ोन में वो इधर है। सो भी हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे, हम माइक को लगाने, और फिर लगा के फिर इसको यहाँ पे लॉक करना है एक बार, क्योंकि वायर ज़्यादा खिंचाता नहीं ना हो। और करने के बाद जो हमारा ये सॉकेट है, सॉरी ये गलत लग गया, ये इसको इधर लगाओ। से इधर लगने के बाद यहाँ से इस टाइम को इधर से इस इधर से लेके अपना जो मैनुअली फ़ोन है। तो सो हमारा कुछ इस तरह रेडी हो चुका है सब, ना जो ये गिमर। तो अभी हम इसको ये कनेक्ट करेंगे,
तो मेरा फ़ोन अभी चल रहा नहीं बंद सिर्फ शो के लिए लगा, तो आपको देख सकते हैं आप इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छा है। बस मुझे ऐसा लगा कि इसका पैकेजिंग में कुछ कमी था, पैकेजिंग अगर उन्होंने सही किया होता तो उनकी भी अच्छा वॉरेंट। पर ये भी एक नंबर है, पर RGB लाइट चाहिए था, RGB लाइट कुछ नहीं। पर आपको 900 रुपये में क्या मिलेगा अच्छा, और इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सो आप तो बैठे बिकेंगे, सो आपके सामने जो फ़ोन दिख रहा है सब उसके ऊपर दिखा था, जो रिकॉर्ड हो रहा है वो माइक से हो रहा है, तो आप माइक का आवाज़ समझ सकते हो, माइक से नॉइस कैंसिलेशन अच्छा हो रहा है। सो आप देख सकते हैं, अभी मैं RGB लाइट चालू करके देखता हूँ, अंधेरे में देखते हैं तो कैसा लगता है इसको, तो चलिए चेक करते हैं अंधेरे में। पूरा अंधेरा कर दिया हमने, सो अभी हम लाइट लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट लाइट है, और इसके अंदर जो है फ़ोन का जो ये लाइट एक ठीक से फोकस कर रहा है और माइक भी सही से काम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इस ऐसे व्लॉग में, ऐसे व्लॉग करने में, तो आप ये गिम्बल के साथ ही चलिएगा, गिम्बल लेना। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।